क्वेश्चन नंबर जो एक होता है ना उसमें देख लीजिए आपका इस तरह का रहता है पैसेज, है ना ना। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको पैसेज, तो ठीक है किस तरह से पैसेज को सोल्व करते हैं। चलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको आंसर दूंगा ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ना। एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा बेटा पैसेज। चलिए यहां तक हो गया इतना, इस तरह का आपका पैसेज रहेगा, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर एक। ठीक है तो इसका आंसर देख लीजिएगा, व्हाट डू द टू टाइप्स ऑफ पीपल रिएक्ट इन द चेंजिंग सॉल्यूशन सिचुएशन। तो ये देखो भैया यहाँ से ये है आपका पहला, तो पहले का जो आंसर रहेगा ना ये यहाँ पर है ये। ठीक है भैया ये क्वेश्चन आंसर है आपके यहाँ से छठे सातवें आठवें तक, और ये छठे सातवें आठवें तक यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है इस तरह दूसरा जो पैसेज रहेगा ना, मैंने कहा ना पैसेज में अलग से सिखाऊँ क्योंकि आगे वाली चीज़ अपने को सीखनी है मेन बेटा ना। ये तो छाटना रहता है और छाटना में एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा अलग से सिखाऊँ, कम से कम 20 से 25 मिनट में सारी चीज़ें जीवन भर आप भूल नहीं पाओगे इस तरीके से सिखाऊँगा, तो वो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे बेटा ना। चलिए थोड़ा सा अपन तो स्क्रीन शॉट ले लो यहाँ से अपन आगे, ये कितना इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो पैसेज नंबर जो टू है इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए ये पैसेज आपका यहाँ से है, ठीक है इतना की बेटा बढ़िया से तैयारी करो आप, तो है ना ये आपके क्वेश्चन रहेंगे इससे क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन के बाद में अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर ठीक है ये यहाँ से इसका आंसर रहेगा, ओके इतना। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर जो थ्री है इसमें क्या है आपका, क्योंकि मैं आगे की चीज़ आपको समझाऊंगा, ये चीज़ें मैं आपको है ना बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, है ना भैया ये हो जाएगा इतना। इतना ठीक है चलिए अब नोट्स और टाइटल का रहेगा सिस्टम, इसमें मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ सीधी सी बात, उसमें आप तो वहीं से भी देख कवर कर सकते हो। ये यहाँ से है ये स्किप कर सकते हैं कोई बच्चा ये। अब अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये आपका इसका इस तरीके से इसको करना कंप्लीट आपको, है ना ये टाइटल हो गया और ये समरी, यहाँ से समरी ये। ठीक है बच्चों चलिए अब अपन जो क्वेश्चन नंबर जो थ्री है फोर है यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन अब देखते बैठा, है ना ये आपका रहेगा, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर डेज सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि आप बुखार से पीड़ित हो, आपको क्या करना है एक अवकाश एप्लीकेशन लिखनी है किसको प्रिंसिपल को। चलिए तो अब यहाँ से अपन सॉल्यूशन को अच्छे से समझेंगे। चलिए तो यहाँ से एप्लीकेशन को देखते हैं अपन, टू द प्रिंसिपल, देखो ध्यान से समझना बेटा है ना, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपका क्षेत्र रहेगा इंदौर है सीहोर है भोपाल है खंडवा है मुरैना है जो भी है ठीक है वहाँ स्कूल का नाम लिख दोगे। देखो तरीका मेन चीज़ है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं देखता बेटा ना, एक दो स्पेलिंग गलती भी रहेगी ना एक दो स्पेलिंग की तो भी सही रह जाएगी, पर लेकिन तरीका गलत है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये देखो एप्लीकेशन होगी इतनी, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव ठीक है सर, आई बैग टू सेट डेट मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, यहाँ पर आपका टेंथ ट्वेल्थ जो भी लिखा है इलेवंथ लिखा तो, पर अपन को क्या करना बच्चू नाइन्थ करना है ना, नाइन्थ यहाँ पर नाइन्थ करना सही है ना, ऑफ यूअर स्कूल मैं आपकी स्कूल का कक्षा नवी का छात्र हूँ, आई हैव बीन सफरिंग मुझे बुखार है ये मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सिंस यस्टरडे कल से, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, क्या दी सलाह, टू टेक बेड रेस्ट कि मैं आराम करूँ बिस्तर पर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास इसलिए मैं मेरी क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज कृपया मुझे आप 3 दिन की
छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से हो जाएगा यू आर सो ओबीडियंटली, बढ़िया से करना है। हमारे बच्चे ना बड़े ही समझदार है, सिंपल से एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये देख लीजिएगा आपका, इतना स्क्रीन शॉट ले लेना बच्चों, है ना। इसके बाद में ये, इसके बाद में यहाँ से, है ना। और वंडर ऑफ साइंस का निबंध आना ही आना है, कोई से भी आप भाई कोई से भी जिले से हो, ठीक है। हो गया इतना, ठीक है बेटा। हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आ जाए बस इसलिए डायरेक्टली मैं इनवाइट प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, इस तरीका से आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, उसको देख के आपको क्या करना है, ये लाइनें लिखनी है। कर सकते हो तो कर लो, जितना करो उतना कर, ठीक है, अच्छा है। बाकी अपन क्वेश्चन नंबर आप 7 से अच्छे से इसको समझते हैं यहाँ से, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको करके जाओगे ना तो बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे इसको। चलो यहाँ से देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। सी यूजुअली, यूजुअली का मतलब था सामान्यतः या फिर सामान्य तौर पर। तो वहाँ सामान्यतः अब लड़की है तो इसके लिए देखो ही सी इट नेम के साथ एस और ई एस लगता है, किसमें प्रेजेंट है इंडेफिनेट में, तो हो जाएगा स्पीक्स। क्या जाएगा इसमें, स्पीक्स, ठीक है, एकदम राइट रहेगा, ध्यान से समझना है, ठीक है। यू मे कम, तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो इफ यू लाइक, एज इफ नहीं, यहाँ पर इफ ओनली क्या जाएगा, इफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम आ सकते हो यदि तुम चाहो। अन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी हमेशा हमेशा बोला नहीं, बोलता है, क्योंकि हमेशा दत्रुट सत्य बोलता है। हम ईमानदार आदमी हमेशा, सेकेंड फॉर्म में नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में आ जाएगा, है ना, इंडेफिनेट में। तो ये आपका हो जाएगा टेल्स की टोल्ड, तो यहाँ पर जाएगा टेल्स। एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या करता है, ठीक है, सत्य बोलता है। विसा, हमने देखा, क्या देखा, बॉयज क्रॉसिंग द रोड, लड़कों को क्या रोड क्रॉस करते हुए। अब किनको, एनी ने, कोई कोई रहता अकेला रहता तो एनी लिख देते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉयज लिखा है, बॉयज के लिए जाएगा सम, तो यहाँ पर मैं सम भर देता हूँ, सम है ना, कुछ, हमने कुछ बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए देखा। चित्रमास इज सेलिब्रेटेड, चित्रमास जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जब भी डेट आती है ना, डेट और डे, इन दोनों में ऑन आता है, क्या आता है, ऑन। और जैसे अपनी सुबह शाम बोलते हैं ना तो उसमें लिए इन लगेगा, इन इवनिंग, इन इन मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। ही इज अन अमेरिकन, वहाँ अमेरिकन है, बट हीज लाइफ, उसकी जो जिंदगी है ना वो जिंदगी किन की तरह है, यूरोपियन की तरह है, ठीक है। तो हीज, अब ए आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या जाएगा, ए, क्यों, क्योंकि नाम भले स्पेलिंग ई है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, यूरोपियन, यू यग आ रहा है, यग, और जिसमें उच्चारण जैसे एप्पल लिखे तो ए डी आए, तो वहाँ पर अन लगेगा, है ना। ये इंदा का यूज हो तो आपको आता भी होगा और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इतना से, ठीक है भैया, कर पाओगे। अब है अगला डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड में क्या जाएगा, इट इज नेसेसरी डेट वी हैव प्रॉपरली, ठीक है, वी हैव, वी बिहेव प्रॉपरली, हम, हमें यह आवश्यक है कि हम अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको मस्ट लगाना है, मस्ट, तो मस्ट लगाना तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी, केवल इतना सा लिखना, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी मस्ट, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली, पी आर ओ पी ई आर एल वाई, ठीक है, वी वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली। ही वॉज कटिंग एन एप्पल, ही वॉज कटिंग एन एप्पल, तो देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ऐसे पास्ट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, दो नाम रहता है इसका, है ना, तो पास्ट इंडेफिनेट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ही वॉज कटिंग, ही वॉज कटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर जाएगा ही कट, ही कट एन एप्पल। तो ये दूसरा जो रहेगा ना, ये आज आपका यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये दूसरा रहेगा यहाँ से, ही कट एन एप्पल,
डबल पी, ठीक है यार। और शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, तो देखो वी वी ने हम इसको अपनों क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से जमाना है, कुछ नहीं करना है। तो अपन लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, तो यहां पर मैं लिखता जाता हूं, देखो वी शुड एस एच ओ यू एस यू ए टी शुड प्रोटेक्ट, है ना, कि सुरक्षा करनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट किसकी, द फॉरेस्ट, जंगलों की, कर पाओगे? ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना यहां से, वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अगला है इट्स लाइक मैंगोस, इट्स लाइक मैंगोस चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर ही पेपर की मिसप्रिंट है, यहाँ पर यदि ईट की जगह पर रहता ना तो ईट ईट कभी भी निर्जीव निर्जीव वस्तु कभी भी कोई सी चीज़ पसंद नहीं करती, यहाँ पर ही आएगा या सी आएगा। लेकिन यदि आपका पेपर में भी ऐसा कैसा छपा आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, गलत मत समझना, ठीक है। ये यहाँ पर ही पेपर के आगे से ही गड़बड़ है प्रिंट, तो ये मिसप्रिंट का नंबर मिलता है, यहाँ पर ही आता है या तो फिर सी आता, किसी का नाम आता कि राम लाइक्स मैंगोस, राम को आम पसंद है, तो राम, ठीक है, डज नॉट आ जाएगा लाइक मैंगोस। अब यहाँ पर ईट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर अपन इसको गलत है ये, तो इसको अपन मान के चलते हैं कि ये आपका ही है, क्या मान के चलते हैं, ही है, बस इसका नेगेटिव मैं यहाँ पर बना देता हूँ बेटा, पाँचवा ही कौन सा, चौथे का आंसर, ही डज नॉट लाइक मैंगो, ठीक है, ही डज नॉट लाइक मैंगोस। इसके बाद में क्या है आपका, चेंज इनटू पेसिव वॉइस बदलना है इसको, सी सिंगिंग ए सॉन्ग, पेसिव वॉइस है, सॉरी हाँ पेसिव वॉइस है, तो पेसिव वॉइस में बहुत ही सिंपल होगा, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग एक गीत गाया गया, ए सॉन्ग इज बींग, ए सॉन्ग इज बींग संग, सिंग का संग आ जाएगा ना थर्ड पाम, संग बाई और लड़की है सी, सी का हो जाता है हर, ठीक है बच्चों, ये इतने कर पाओगे। और छठा जो है अंतिम बेटा, ही इज रिच बट, अब बट के साथ भी आता है ना या किसी के साथ तो यानी भले ये एट आए या बट आए, तो बहुत ही सिंपल है, ये डबल डबल चीज़ है ना, ये डबल रिपीट होना ना, ही इज इसको 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 नहीं लिखना और बाकी बीच में घुसा दो जो भी है, बहुत ही सिंपल है, तो ही इज रिच येट येट नॉट हैप्पी, ठीक है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो अपन लिखेंगे ही इज रिच बट हैप्पी, ठीक है भैया, तो ये सेंटेंस रहता है यदि इसके साथ ऐसा रहेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, एट हो गया है, ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा नाइन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन, इस तरीके से आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर टेन की हम बात करें तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन, ठीक है, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर टेन का ये आपका ऐसा रहेगा, तो यहाँ से मैं देखिए इसका सॉल्यूशन ही आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना, यहाँ से अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो टेन है इसको आपको सोल्व करना है, ये क्वेश्चन रहेंगे, ये इसके आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन 11 की बात करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से रहेगा, ये 10 का बी वाला है, ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू है, उसको भी देखते हैं। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से सोल्व करना है बढ़िया से, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं इतना रहेगा ये, ठीक है,
पूरे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मैं एक साथ ही दे रहा हूँ आपको, कोई से भी जिले से हो आप कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर आपको कर लिए तो मेरी जवाबदारी है, आप डंके की चोट पर कहता हूँ आपको टॉपर बनने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। पर लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सभी जिलों के मिलाकर मैंने मिक्स कर दिए, थोड़ा बहुत हमें भी बचना पड़ता है भैया, है ना, इतनी तो आप खुद भी समझदार हैं बेटा, है ना। ये देख सकते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा यहाँ पर, ये मैंने जितना भी एम लगाया ना उनको करना है आपको, हैं ये रहेगा यहाँ से, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ये रहेगा आपका, हो गया। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से आपको करना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया मामला अब तक, ठीक है भैया। इसके बाद में आपका आ जाएगा ये, इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, जिन जिन के ऊपर एम लिखा हुआ ना उनको ही पढ़ना है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। इसके बाद में यहाँ से दूसरा रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है भैया। इसके बाद में ये हो जाएगा, यहाँ से देख सकते बेटा। इसके बाद में पूरे क्वेश्चन एक साथ है, आप इतने सारे क्वेश्चनों को देख के मत भागो, मैं कह रहा हूँ ठीक है कि हर जिले के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। अब एक साथ बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा तो होंगे, ठीक है। आप तो बढ़िया से तैयारी कर लो, मिलान कर लो कि कौन कौन सी चीज़ आपको आती है नहीं आती है, कर लो जितने कर पाते हो। और एक वीडियो सेपरेट वाला ज़रूर देखना है, बिना पढ़े कैसे पास हो, वो ज़रूर देखिएगा, मेरी जवाबदारी, उसको देखकर आप है ना बिल्कुल अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। ये यहाँ से हो गया इतना,